हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रभास सक्सेना एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सी एल स्कूल। आज है विश्व रक्तदान दिवस, ब्लड डोनेशन डे, जिसके इस ब्लड डोनेशन डे के अवसर पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड भी होगी एंड आपके इस रक्तदान दिवस से भी रिलेटेड होगी। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि रक्तदान करने से शरीर दुबला हो जाता है और हमें बीमारी भी हो सकती है और कई प्रकार के मिथ हैं लोगों के, तो हम तो वो तो रिड्यूस कर नहीं सकते, बट हम आपको एक मतलब ऐसी जानकारी देंगे जो कि टोटली 100% सच है, इस पर कोई झुठला ही नहीं सकता, कोई 1% नहीं। क्या है कि किसी भी व्यक्ति को रुधिर अगर डोनेट करता है कोई, तो कभी तो पहली बात तो वो दुबला नहीं होगा, दूसरी चीज़ रक्त लेने के पहले ही व्यक्ति की जांच कर ली जाती है कि वो उसको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर उसको बीमारी है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा, और अगर उसके बॉडी में ब्लड कम है तो भी उसका ब्लड नहीं है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, 72 किलोग्राम जिनका वजन होता है, बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड होता है, उन्हीं का ब्लड ही हम डोनेट करते हैं और अदरवाइज हम ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, हम इस विश्व रक्तदान दिवस, आज कितनी तारीख है, 14 तारीख, जिसमें विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, इसमें बड़े बड़े लोग रक्तदान करते हैं, जिससे कि एक आपका छोटा सा रक्त किसी एक पर्सन की जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी जान बचती है, जो कि आपको जिंदगी भर आशीर्वाद एहसान देगा कि पता नहीं किसका ब्लड था जिसने आज हमारी जान बचाई। क्योंकि ब्लड में नाम तो लिखा नहीं होता, ब्लड सबका रेड होता है, बट ये होता है कि आपके को एक स्लिप मिलती है कि आपने दान किया, पर जिसको चढ़ाया जाती उसको थोड़ा ना स्लिप दी जाती। ठीक, तो वो आपका एक दान होता है, जैसे कि आप गरीबों में भोजन बांटते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दान होता है, ब्लड डोनेशन दे दान दीजिए। विश्व रक्तदान दिवस जो है, इस अवसर पर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, सबसे पहले रक्त होता क्या है, रुधिर, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ब्लड, हिंदी बोलते हैं रुधिर। रुधिर क्या है, रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है, जो कि इसका पीएच जो होता है कितना होता है, 7.3 से 7.4 होता है। ठीक, इसका पीएच कितना होता है, 7.3 से 7.4 होता है, और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है और नमकीन होता है। अब आप कहेंगे सर नमकीन होता है, नमकीन हमने तो नहीं देखा, हम नमकीन कैसे, तो जब आप कोई काम कर रहे हो या कहीं खेल रहे हो या किसी में आपकी उंगली दब जाए, ठीक, या चक्कू से कट जाए, तो क्या करना, उसको तुरंत सक करना ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा ब्लड नमकीन होता है या मीठा होता है। कोई भाई टोमेटो सॉस तोड़ा ना जो मीठा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये ब्लड है, नमकीन होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक, वॉल्यूम मात्रा जो होती है कितनी होती है, 5 से 5.5 लीटर होता है, कितने, 72 kg ह्यूमन बींग के अंदर, मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इसमें जो ब्लड की मात्रा होती है 5 से 5.5 लीटर होती है। स्वस्थ मनुष्य मतलब 72 kg वजन हो, उसका मेंटली फिजिकली एंड सोशली आर वेलबिंग, मतलब सभी तरह से वो अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, ये नहीं कि फिटनेस ही हो तो वो हेल्थी पर्सन ना हो। ठीक, फिटनेस डजन डू नॉट डिसाइडेड इन द की सीज या ही इज हेल्थी पर्सन, तो हेल्थ जो पर्सन होते हैं उनके लिए हमें कई चीज़ें की और भी आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आपका सोशल वेलबिंग होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, मेंटली होना चाहिए, सभी आपका वेलबिंग होना चाहिए, जिससे कि आप एक समाज में रहें तो आपको स्वस्थ रहें। ठीक, दूसरी चीज़ आते हैं कि देखते हैं कि इसमें जो रक्त है, रुधिर वर्ग है, वो खोज किसने की, आपको पता है किसने की, बताइए, नहीं पता। रुधिर वर्ग की खोज जो थी वो आपके कार्ल लाइन स्टीनर, कौन थे वैज्ञानिक, कार्ल लाइन स्टीनर, ब्लड ग्रुप था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लाइन स्टीनर, कार्ल लाइन स्टीनर एंड वर्नर्स भाई साहब ने की थी। किसने की थी, कार्ल लाइन स्टीनर वर्नर भाई साहब ने की थी, कब की थी, 1902 में की थी, और इनको
1930 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। 1902 में इन्होंने खोज की थी और इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ब्लड ग्रुप क्या खोज की, कितने ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए थे, बताइए, पता है किसी को? नहीं बताया, मैं पता होगा, पढ़ते लिखते तो तुम लोगों नहीं। ए बी ए बी ओ, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए थे, ठीक। इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुपों का याद रखिए। देखिए 1902 इंपॉर्टेंट, 1930 ब्लड, सबका नंबर भूल जाओ, ये नंबर याद रखो, ठीक। ये नंबर आपके क्या करेंगे, फ्यूचर डिसाइड करेंगे। दुनिया भर के नंबर याद रखते हो, वो फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे। इन्होंने एक टेबल दी थी, छोटी सी टेबल है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, समझिए। आपने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में सुना होगा कि जो हमारे रुधिर होता है उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए रुधिर के अंदर क्या क्या होता है, एक होता है लाल रुधिर कणिकाएं, एक होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, एक होता है प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक। जो ब्लड है आपका ब्लड ग्रुप, ठीक, तो ब्लड ग्रुप कितने होगा, चार, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक। अब इनका एंटीजन और एंटीबॉडी आपने सुना होगा, सुना है, नहीं सुना है, सुने ना होगा, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडी जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, यही हिंदी में भी बोला जाता है इसको, ये मत समझना कि सर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, दोनों ही बोला जाता है, इंग्लिश में एंटीजन तो हिंदी में एंटीजन, ठीक। अब ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए, और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल बी। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, बी, मतलब इसका एंटीजन है बी, तो आपका एंटीबॉडी स्मॉल ए। अगर ब्लड ग्रुप है ए बी, एंटीजन ए बी, तो इसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीजन कुछ नहीं होता, एंटीबॉडी ए और बी होती है। समझ में आ गया आप सभी को, ये समझ में आया, बताओ आया कुछ समझ में। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, अब ये ए एंटीजन ए आया कहाँ से, ये समझो पहले। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कुछ बढ़िया बेहतरीन चीज क्या है, ये डंबल ना समझना है, बॉडी बिल्डर बनाने वाला सर, ये तो डंबल दिख रहा, डंबल नहीं भाई, आर बी सी, आर बी सी, आर बी सी, जो अभी हम पढ़ के गए ऊपर, आर बी सी, रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो फिर गड़बड़ है सब, ये सब ब्लड बनना है भैया। अब देखो ये जो आरबीसी है इसको ऊपर वाले को बोलते हैं एंटीजन और इसके अंदर वाले को बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक। आप ध्यान दीजिए, यहाँ समझाएंगे, ठीक, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब ये आपका आरबीसी हमने बनाई, क्या बनाई, आरबीसी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए ये है आपका आरबीसी, देख रहे हो सब धोखा दे रहे हैं, ये भी मनोने लेता है, कहता है भैया हम नहीं चलेंगे। ये मान लीजिए इसके ऊपर ये क्या है, ए, ये क्या है, एंटीजन ए, और इसके अंदर क्या होगा बताओ, एंटीजन ए है तो अंदर क्या है, एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, ए का एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल बी, दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है, और ये आरबीसी तो है आरबीसी। अब आप सोचेंगे सर कि ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाएं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो क्या ध्यान देने वाली बात, देखो ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाया जाएगा, अगर सरफेस के ऊपर ए है, बी है, ए बी है, ए है, बी है, ए बी है, या कुछ नहीं है, तो ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कुछ नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ है। मतलब कि अगर आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और एंटीजन कुछ नहीं तो ब्लड ग्रुप आपका ओ होगा। जल्दी से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल का थ्रू कि ब्लड कैसे चढ़ाया जाता है, ब्लड कैसे चढ़ाया जाता है। देखो वेनर भाई साहब जो थे, इन्होंने एक लॉ दिया था, आपको शायद याद हो, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, हम बताते हैं।
उन्होंने कहा था लॉ में, वर्नर्स लॉ, क्या कहा था, एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, ठीक, एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ऑफ द रिसिपिएंट। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि एंटीजन ऑफ डोनर, जो डोनर है उसका एंटीजन और जो रिसिपिएंट है उसका क्या, एंटीबॉडी रिएक्ट विद, क्या होनी चाहिए, रिएक्ट कर जाए बस, ठीक। कैसे रिएक्ट करेंगे देखो, एक एग्जांपल को थोड़ा आपको हम समझाते हैं फटाफट, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान से। ये है, कौन है, ये है चिंटू भैया, कौन है, ये है चिंटू भैया, चिंटू भैया बहुत मस्त लग रहे हैं, लग रहे हैं मस्त एकदम बिंदास चौकस, ठीक। और ये है पिंटू भैया, कौन है, पिंटू भैया, ये भी मस्त लग रहे हैं, देखो मोटे ताजे फूले फाले हैं। ये हो गए चिंटू और ये हो गए मिंटू, चिंटू मिंटू कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन हमें देखने आ रहे हैं। चलिए, इनका जो आरबीसी है, ठीक, इनकी आरबीसी होगी, इनका ब्लड ग्रुप है ए और इनका भी ब्लड ग्रुप है ए, इनकी ये आरबीसी होगी, ठीक। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझना सब हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एंटीजन, तो इनके एंटीजन के ऊपर क्या है, देखो ए ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन के ऊपर क्या आएगा, ए, ए रख दिया, ये रख दिया आगे ए। और ये बताइए, इनके ए है तो इनके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, देखो ए के सामने एंटीबॉडी क्या आ रही है, बी, क्या है, बी आ गई, ठीक। इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो इनके एंटीजन के ऊपर एंटीजन में क्या होगा, ए, अंदर इनके क्या होगी, क्या होगी अंदर, बताओ भाई बताओ बच्चों, बी, क्या होगी, बी होगा, क्या होगा भाई, बी, ठीक। अब वर्नर भाई सबको बुलाओ, बुलाओ नहीं गलत बात, सम्मान के साथ, आदर के साथ, नहीं तो आएंगे और तुमको तबड़े आ देंगे, कह दे अच्छा बेटा हमारे रूल से पढ़ रहे हो, हम ही को कहते हो बुलाओ, धमकी, आओ तुमको देंगे कान में तो तुम हिल जाओगे बिल्कुल, ठीक। सपने मारते हैं ये लोग, ध्यान रखना, जितने साइंटिस्ट हैं सपने भाई, वो तो निपट गए, भगवान के साथ मीटिंग उनकी चल रही है, तुमने अगर गलत तरीके से पुकारा तो वो देख रहे होते सब बैठे बैठे बिल्कुल आराम से, इसे अच्छा भगवान ये लड़का पढ़ रहा है, देखो इसने हमारा सही नाम लिया नहीं लिया, हमको गिरा भी रहा है, हमारा नाम उठे से अभी हम इसको देखो समझा गया, तो रात को आएंगे तुमको उठा के तबड़े आके चले जाएंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बचाए, अगर कॉमेंट हम आपको हंसाएंगे नहीं तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था, एंटीजन ऑफ डोनर, वेनर लॉ के अनुसार एंटीजन ऑफ डोनर, तो डोनर जो है क्या है, अब डोनर ये क्या है, ये है, ये है डोनर और ये है रिसिपिएंट, ठीक, एंटीजन ऑफ डोनर। तो डोनर, अब देखिए ये जो मिंटू भाई साहब है, ये मिंटू भाई साहब जा रहे थे रेस लगाते हुए बिल्कुल बेहतरीन दोस्तों के साथ, और जा करके बरसात का मौसम था, सोच रहे आज इंजॉय करेंगे बेहतरीन, और बाइक राइसिंग सू सू, और पता है घर्षण बल कहाँ नहीं लगता है, बताइए भाई कहाँ नहीं लगता है, बताइए बताइए, पता है किसी को, चिकनी सतह पर, मोहरम पर, या बरसात हो रही हो तो वहाँ उसके सतह के बीच में घर्षण बल नहीं लगेगा, जब घर्षण बल नहीं लगेगा तो आप रायता के तरीके फैल जाएंगे और बूंदी के तरीके बटोरे जाएंगे, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि डोसा के तरीके चिपक जाएंगे, तो बूंदी डोसा और रायता ना बनना हो तो आराम से चलिए, ठीक। तो ये मिंटू भाई साहब नहीं माने दोस्तों साहब, बिल्कुल बाइक उड़ने दो हवा में चलेगी, ये जाके फैल गए, फैल गए तो भाई फैलोगे तो चोट तो लगेगी, इनको चोट लगी, भयंकर चोट लगी, इनका ब्लड लॉस हो गया, ब्लड जब लॉस हुआ तो इनका ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, बिल्कुल गिर गया, ये ब्लड वॉल्यूम गिरा, जब ब्लड वॉल्यूम गिरा इनको डॉक्टर ने हॉस्पिटल डाला गया,
ले गए। डॉक्टर ने कहा तुरंत भैया इनको ब्लड चढ़ाओ, बहुत ब्लड लॉस हो गया। अब इन्होंने ब्लड ढूंढा, कहीं ब्लड नहीं मिला। इनका एक दोस्त जिसके साथ ये घूम रहे थे, खुदा न खास्ता वो बच गया, उसका ब्लड ग्रुप इनसे मिल गया, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप ए है और उसका भी ब्लड ग्रुप है। तुरंत उनको बुलाए, भैया आओ हमें ब्लड दे दो, हम बच जाएंगे, नहीं तो आज हम भगवान के साथ मीटिंग करेंगे जाके। बेटा अरे वैसी बात है कर रहा भाई, हम देंगे तुम्हें ब्लड, आओ। वो गए तुरंत डॉक्टर के पास, उन्होंने तुरंत चेक कराए, और सबसे पहले डॉक्टर ने क्या चेक किया ध्यान दीजिए, ए है तो एंटीजन ऑफ डोनर, ठीक, एंटीजन ऑफ डोनर, ये एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन क्या है ए, एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन ऑफ डोनर, अब देखो लिखा है एंटीजन ऑफ डोनर इज रिएक्ट विद, रिएक्ट कर रहा है ए, रिएक्ट कर रहा है, ये देखो आया रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, ये देखो कर गया भैया। तो जहाँ इसका ब्लड ये डॉक्टर ने चेक किया, अच्छा एंटीजन ऑफ डोनर रिएक्ट विद एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, इससे रिएक्ट कर रहा है, मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू बी बराबर रिएक्शन हो गई। तो मतलब भैया हमारे मिंटू जो हैं बच गए, इनकी कृपा से चिंटू से। तो जब ये बच गए तो इन्होंने चिंटू भाई साहब को कहा, भाई तुमने बचा लिया, ये तो आज तो हम पक्का भगवान के पास होते, भगवान के साथ मीटिंग चल रही होती हमारी आज तो, ठीक। तो इससे हमें ये साबित होता है कि जो वेनर ला है उसके थ्रू हम ब्लड को ऐसे ट्रांसफ्यूजर कर सकते हैं। और इसी के आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक, उस पे आपको बताऊंगा कि ब्लड और कैसे चढ़ाया, सॉरी ब्लड के और क्या फॉर्म होते हैं, कैसे किसको चढ़ाया जा सकता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, इसके किसी का ब्लड ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सभी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो आज विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक काम करिए, अपने स्टूडेंट फैटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए सिर्फ एक काम, छोटा सा काम आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे मानेंगे, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही, बेकार घूम रहे हैं, या जो इसे चैनल से जुड़े नहीं पा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको एक कॉन्टिन्यू वाइज सभी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, ठीक। तो आप इससे जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे जो भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो आपका लेक्चर जो है वो मिस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूटी एक बार बिगड़ गई किसी भी चीज़ की हो तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।